50 और यहाँ पे ई पावर थी, XMR रही है 210 cc। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम एक ऐसा कंपैरिजन लेके आए जिसका भाई बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है कि BS4 NS और BS4 RS का जो है कंपैरिजन करो XMR से, वो इसको हरा देगी, वो इसको हरा देगी, वो इसको स्मोक कर देगी, वो इसको पेल देगी, जो भी कहते हैं लोग भाई कमेंट में। तो वही बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे मत जाना। बाकी हम बाइक की बात कर लेते हैं, तो जिन बाइक का हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो है बजाज की पल्सर NS 200 BS4 वाला मॉडल है, जो कि अपने अभय भाई अपना खड़ा है, उसी के बगल में खड़ी है हीरो की करिश्मा XMR 210 cc नई वाली 2024 एडिशन है। बाकी स्पेक्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 210 cc के इंजन के साथ में 25 PS की पार और 20 Nm टॉर्क देखने को मिलने वाला है। और अगर NS की बात कर लेते हैं BS4 मॉडल की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 199 cc के इंजन के साथ में 24 PS की पावर और 19 Nm जो टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस करने वाली है। दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, दोनों में आपको 100 सेक्शन के टायर फ्रंट में देखने को मिलेंगे, दोनों में आपको बाइब्रे के जो है डिस्कैल्बर देखने को मिलने वाले हैं। रेयर की टायर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 140 सेक्शन टायर देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आपको 140 सेक्शन टायर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 130 पड़ा हुआ है, पुरानी बाइक है तो इसमें 140 ही आता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर NS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप वही ओडोमीटर एनालॉग प्लस डिजिटल देखने को मिलता है, लेकिन न्यू जॉब आ रही है उसमें फुल डिजिटल आप देखने को मिलने लगा है। 194,000 कुछ रुपए की जो है शोरूम कीमत है नई वाली, सॉरी ऑन रोड है 198,000 रुपए की नई वाली। BS4 डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है रेट बताने का। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये 215,000 रुपए की मिलती है। आगे हेडलैम्प की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको LED DRL+ दो लेंस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे बात कर ले तो हेलोजन देखने को मिलता है, लेकिन नई वाले में आपको LED अब देखने को मिलने वाला है। बाकी अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दोनों में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स दोनों में देखने को मिलने वाले हैं। LED इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नई वाली NS में भी LED इंडिकेटर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वह है BS4 को XMR से कंपेयर करना, कि BS4 जो है हरा पाती है कि, और एक चीज़ ये कार्बेटर पे है और ये FI इंजन के साथ में वो कार्बेटर पे है, तो ये चीज़ फ़र्क है दोनों बाइक्स में। तो चलो सीधे बैटल शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो लेट्स गो। सो गाइस हम आ चुके हैं बाइक्स पर, मैं चला रहा हूँ पहले NS 200 BS4 मॉडल, अभय चलाएगा XMR 210। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या ये NS 200 BS4 स्मोक कर पाती है इसे कि नहीं कर पाती है, तो चलिए देखते हैं। हाँ इनिशियल पंच तो है यहाँ, लेकिन XMR बगल में लगी हुई है। में ज्यादा फर्क नहीं है, एक टॉर्क का फर्क है और 2 PS bar की फर्क है, लेकिन ये कार्बेटर है और वो है FI। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं ये BS4 स्मोक कर पाती है उसे कि नहीं कर पाती है। 140 जा चुकी है, अब हमने पूरा टेक कर लिया है, 140, 45, 46, 47, 48, 149, 50, 150। बस इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। XMR धोती खोल रही है भाई सबकी, 200 कैटेगरी की, 150 और यहाँ पे निकल गया हूँ मैं BS4 लेके। अब देखते हैं XMR कितना पीछे है, काफी पीछे हो चुकी है XMR। क्या होगा, छोड़ दिया था क्या,
सो गाइस, जैसा आपने यहाँ पे देखा कि फिलहाल के लिए एनएस जो है 152 जा रही है और ये 149 पर लिमिटर कर देती है। तो अभी एक बार राइडर स्विच करते हैं, इसका वेट ज़्यादा था, उसके बाद में भी XMR आगे है, तो फिलहाल एक बार राइडर स्विच करते हैं, राइडर स्विच करके देखते हैं क्या होता है। तो चलो अब मैं चलाऊंगा XMR और ये चलाएगा NS200 BS4 को, तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया BS4 NS हुआ, बस इतनी दम थी क्या, इतनी पावर थी। XMR रही है 210 cc, यहाँ बिना टक्कर हराऊंगा एनएस को मैं। अच्छा भाई, लगी तो हुई है बगल में, देखते हैं क्या होता है। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, अरे चल छैया। छैया छैया एनएस 200 बहुत पीछे हो चुकी है, बहुत गैप मेंटेन हो चुका है जैसा आप देख ही सकते हो। XMR ने भैया 210 सीसी कैटेगरी को मोए मोए कर दियो है, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, समझो मेरी बात, मोए मोए हो गया। छैया छैया, तो यहाँ पे गाइस जैसा आपने देखा, तू और इलेक्ट्री वाला मीम लगाएंगे, ये रही क्या हुआ, BS4 लेके तुम XMR नहीं हरा पाए। द किंग, द किंग 200 cc कैटेगरी की किंग है भाई, हीरो करिश्मा XMR। अब ये कमेंट करके बताओ कि ये RS200 जो है हरा पाएगी XMR को कि नहीं हरा पाएगी, तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप लोग 100 कमेंट कर देते हो कि हाँ NS200 और RS200 का कंपेरिजन XMR 210 से चाहिए BS4 वाली का, तो मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर नेकड का इसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिल रहा है, इसको फेयरिंग का पूरा फायदा मिल रहा है और विंड ब्लास्ट भी है, लेकिन विंड ब्लास्ट तो भाई दोनों बाइक के लिए एक ही के लिए थोड़ी है। बाकी टॉप एंड मेरे हिसाब से इसका 152 अप्रॉक्स गया था अभी और ये 149 पर लिमिटर करती है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मेरे चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।